ये कमाल का होने वाला है। तुम बहुत सुंदर हो। एनी को पता नहीं है कि अभी क्या होने वाला है। शो टाइम। हाँ, लाइट्स को क्या हो गया? बहुत अंधेरा है। रुको। क्या? देखा? ये इतना फनी नहीं था, पर वो क्या है? मैं तुम्हें दिखाती हूँ। टॉयलेट पेपर ट्यूब से शुरू करते हैं। अब एक मार्कर पेन लेंगे, ट्यूब पर दो आईज बनाएंगे इस तरह। बढ़िया लग रहा है। अब इन्हें काट लेंगे एकदम आराम से, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। लो, अब ट्यूब को ब्लैक पेंट करेंगे और इसे साइड पर रख देंगे। अब मुझे क्लियर प्लास्टिक का पीस चाहिए, इसे रोल कर लेंगे, इसे ट्यूब में डाल लेंगे। अब हमें दो बैटरी कैंडल्स चाहिए, इन्हें भी ट्यूब में ही डाल देंगे। ये इसकी चमकती हुई आंखें होंगी। जी हाँ, बढ़िया लग रहा है ना? मैं इसे अपने घर में रख लेती हूँ। अब लाइट्स बंद कर देंगे। ये डरावना है, जैसा मुझे पसंद है। चलो जाओ और देखो ये कितना बढ़िया माहौल बना रहा है। अब ये करके दिखाओ। मुझे चैलेंज मंजूर है, मैं ये वायर इस्तेमाल करूंगी। जरा से यहाँ फोल्ड करेंगे। वो क्या कर रही है, मुझे समझ नहीं आ रहा। ये देखो, वाओ, अभी और भी काम करना बाकी है। वायर के आसपास ये पेपर लपेट देंगे। हे, ध्यान से, तुम गन बता रही हो। मुझे ध्यान लगाने दो। हाँ, मुझे ये लाइट्स चाहिए, ये काम आएंगी। बस इन्हें साथ में बांध देंगे। एक और चीज करनी बाकी है, ये हुई डबाद। मेरी डॉल को ये बहुत पसंद आएगा, इसे यहाँ रख देती हूँ। कितना स्टाइलिश है, तुम्हें पसंद आया? हाँ, सुंदर तो है। सोडा टाइम, मुझे इसी की जरूरत है। हे, मुझे एक ड्रिंक मिल सकती है? क्या? ठीक है, ये लो। हमेशा ऐसा ही होता है। उप्स, मैं कैप तो भूल ही गई थी। इसे कचरे में फेंक देते हैं, या फिर मैं ये इस्तेमाल कर सकती हूँ। हाँ, मैं जानती हूँ क्या करना है। एक टूथपिक चाहिए, इसे कैप के नीचे की तरफ लगाएंगे और तीन और लगा देंगे, थोड़ी थोड़ी जगह छोड़कर। बढ़िया लग रहा है। अभी और भी बाकी है। सोडा कैप पर ग्लू लगा देंगे, इतना काफी है। इस पर एक और कैप लगा देंगे। जब तक सेट ना हो जाए तब तक पकड़े रखेंगे। मैंने पॉप्सिकल स्टिक्स अलग अलग सेक्शंस पे काट लिए हैं, इसे सोडा कैप पर लगा देंगे। ऐसा ही दूसरी साइड पर भी करेंगे। अब इसे पेंट करेंगे, मैं ब्लैक पेंट इस्तेमाल कर रही हूँ। इसे अच्छे से कवर कर देंगे, कोई स्पॉट्स नहीं छूटने चाहिए। और अब टूथपिक्स की बारी। अब पेंट को सूखने देंगे और इस पर स्कल का स्टिकर लगा देंगे। वाह, एक स्टाइलिश चेयर बन गई। अब मेरी डॉल के लिए बैठने की जगह है। बढ़िया है ना? तुम अपने आप को बहुत तेज समझती हो, मुझे भी एक चेयर चाहिए। हाँ, मैं जानती हूँ क्या करना है। एक कार्डबोर्ड का पीस लेंगे, पहले इसके ऊपर ड्रॉ करेंगे, अब एक हार्ट बना लेंगे, ये बहुत क्यूट होगा। अब एक और हार्ट बनाएंगे और इन्हें साथ में जोड़ लेंगे। अब इसे काट लेते हैं, बस लाइंस को फॉलो करना है। ये इतना भी मुश्किल नहीं होगा, आसानी से करेंगे, बस ये खराब ना हो जाए। अब इसे इसमें से निकाल लेंगे। चलो इसे सजाएं। इस पर ग्लू लगा देते हैं। मैं इसे लव हार्ट बनाऊंगी। ऐसा ही दूसरी साइड पर भी करेंगे। सेम शेप में पिंक वाइनल काट लेंगे, इसे कार्डबोर्ड पर लगा देंगे। इसे अच्छे से प्रेस करेंगे ताकि ये चिपक जाए। पिंक वाइनल की एक स्ट्रिप लेंगे और इसे कार्डबोर्ड के कोने पर लगा देंगे एकदम आराम से। ये पार्ट थोड़ा ट्रिकी है, ये ढंग से बन जाना चाहिए। अब बाकी की चेयर भी बना लेंगे। मैंने और कार्डबोर्ड काट लिया है। अब मुझे मेरी ग्लू चाहिए। इस पूरे पर ये लगा देंगे और हम इसे कवर करेंगे। अब इस पर कॉटन लगाएंगे, ये इसकी पैडिंग होगी। इसे पिंक फैब्रिक से कवर कर लेंगे, इसे कार्डबोर्ड के आसपास लपेट देंगे, एजेस को फोल्ड करेंगे, ये चेयर का बैक होगा। अब गोल्ड स्ट्रिंग लेंगे, इसे फैब्रिक के आसपास लपेट देंगे बराबर की जगह छोड़ते हुए, बिल्कुल इस तरह। ये अच्छा लग रहा है। अब मुझे मेरे लव हार्ट्स चाहिए, इसके आसपास पैडिंग को मोड़ देंगे। अब एक और चीज, इसमें कुशन लगाएंगे। ये कोजी लग रहा है, पर ये ठीक नहीं है। नीचे की तरफ ग्लू लगाते हैं, इस पर पिंक बीड्स लगाते हैं। हर कोने के लिए एक चाहिए होगा। ये होंगे इसके पैर। लगता है ये तैयार है। ये बाकी के रूम के साथ मैच कर रही है, तो इंतजार किसका है? रुको, ये कपड़े अच्छे नहीं लग रहे, तुम्हें मेकओवर की जरूरत है। ये काफी बेहतर है, तुम बहुत अच्छी लग रही हो। हाँ, चलो अब जाकर बैठ जाओ, ये कितना कम्फर्टेबल लग रहा है। ये जल्दी ही इम्प्रेस हो जाती है, अब उसे दिखाते हैं। वो, तुम अच्छी लग रही हो। हाँ, सच में, क्या ट्रांसफॉर्मेशन है। हम दोनों ने बहुत अच्छा किया, जो चाहिए यहाँ वो सब है। ये बहुत मजेदार है, दो ताली। किसी को बताना मत मैंने ये किया। मेरे आसपास हर चीज बिल्कुल बेरंग है।
हाँ, ये काउच कुशन में क्या हो रहा है? वो ये तो एक पॉपेट है, और वो भी रेनबो के कलर्स का। बहुत सुंदर है और मजेदार भी। वो अब कुछ और हो रहा है। हे भगवान, निकलो यहाँ से। ये क्या, यहाँ हो क्या रहा है? शायद मैं सपना देख रही हूँ। चुटी काट कर देखती हूँ। ओह हेलो, हाय। हे भगवान, तुम्हारे बाल तो बहुत खूबसूरत हैं, पर मेरे अच्छे नहीं हैं। खैर, उदास मत हो, हम तुम्हारी जिंदगी में भी रंग लाएंगे, और पहले तुम्हारे बालों से शुरू करते हैं। ओह, मुझे नहीं पता। भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। पहले तुम्हें इस पिंक कलर से सुंदर बनाएंगे, थोड़ा यहाँ पर येलो और ग्रीन भी। लो, हो गया। बताओ कैसा लगा? अब मेरे बालों में स्ट्रीक्स है। अरे वाह, पहले से अब काफी बेहतर लग रहा है। ओह, अब ये पूरा नहीं हुआ। ये देखो, बस थोड़ी सी ग्लिटर का जादू। वो इसमें से चीजें भी निकलती हैं। हाँ बिल्कुल, अब हम तुम्हारे बालों में भी थोड़ी स्पार्कल डालेंगे। इस तरह के स्टार्स अच्छे लगेंगे, और बाकी कलर्स पर इस तरह के जेम्स। ओह, ये एम्बर कलर ट्रायंगल्स बहुत सुंदर लग रहे हैं। अब तुम चमक रही हो। इस तरह ये जेमस्टोन्स तुम्हारे बालों पर बहुत प्यारे लग रहे हैं। वाह, अब मुझे बहुत बेहतर लग रहा है। अब मैं बिल्कुल उदास नहीं हूँ। हाँ, सुनकर अच्छा लगा। ओह, पर मेरे कपड़े, ये तो अभी भी बहुत ही बोरिंग है। अच्छा, तो मैं उसका भी कुछ कर सकती हूँ। वो ये क्या हो रहा है? घबराओ मत, ये यूनिकॉर्न मैजिक का हिस्सा है। बस ऐसे ही रहो। हे भगवान, मेरे कपड़े बदल गए, और ये करना मुश्किल भी नहीं था। पहले एक ब्लैंक टी शर्ट लेंगे और थोड़ा प्लास्टिक। आपको इसे बटरफ्लाई के शेप में काटना होगा, और पेंट रोलर पर पेंट के अलग अलग कलर्स लगा दें। जो भी कलर चाहे वो लगा सकते हैं, पर रेनबो बनाना हमेशा मजेदार लगता है। अब हम शर्ट को पेंट करेंगे। बस कटआउट सेक्शन के बीच में हम इस तरह पेंट लगाएंगे। हो गया, अब प्लास्टिक को हटा देंगे, और ये कमाल का लग रहा है ना? वाह यूनिकॉर्न, तुमने तो इसे बहुत आसानी से बना दिया। बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे इन कलर्स के साथ बहुत अच्छा लग रहा है। ओह, पर तुम्हारी दीवारें तो बहुत बोरिंग है, मुझे इसका भी कुछ करना होगा। अब इस जगह से निपटते हैं, हमें यहाँ जादू करने की भी जरूरत नहीं है। बस टेप को बिल्कुल सीधा चिपकाना है, और इन दोनों के बीच में छोटे छोटे पीसेस भी लगाएंगे। ये एक ब्रिक पैटर्न जैसा लगना चाहिए, और लगता है लग भी रहा है। यूनिकॉर्न देखो, ओह कितना प्यारा है, मुझे नहीं पता था ये ऐसा देखेगा। बहुत प्यारा है, पर अब हम अपना पेंट रोलर दोबारा इस्तेमाल करेंगे। अलग अलग कलर्स की बड़ी बड़ी स्ट्राइप्स बनाएंगे। मुझे पेंटिंग बहुत पसंद है, करने में मजा आता है। अब ये लास्ट स्ट्राइप है, हम कोने तक पहुंच गए हैं। इसे कहते हैं रेनबो वॉल, और जब ये सूख जाए तो हम इस तरह टेप निकाल सकते हैं। टेप को उतारने में मजा आ रहा है, इसकी आवाज कितनी अच्छी है। हो गया, छोटे वाले पीसेस निकल गए हैं, कितना कूल है। अब हम बाकी की टेप भी निकाल देंगे। उतारो उतारो, देखो एवा, मैं एक ही बार में दो उतार रही हूँ। हो गया। अरे वाह, जैसा सोचा था ये तो उससे भी बेहतर है, एक खूबसूरत रेनबो ब्रिक वॉल। एवा, तुम्हें कैसी लगी? हाँ, बहुत अच्छी है, शानदार। ओह, पर ये सोफा बोरिंग है, अगर हम इसे, शायद मैं, रुको, मैं जानती हूँ क्या करना है। एक्सक्यूज मी एवा डार्लिंग, मुझे अभी के लिए हटानी होगी। ओह, तुमने ये कैसे किया? और काउच कहाँ चला गया? मैंने यूनिकॉर्न मैजिक इस्तेमाल किया है ना? अब जरा ये मुझे दो, मुझे बलून इस्तेमाल करना है। इसे बैग में डालेंगे, पर तुम मुझसे क्या चाहती हो? ओह, बहुत आसान है, जरा ये बलून फुला दो। ओह हाँ, मैं कर सकती हूँ। बहुत अच्छा कर रही हो, बुलाती जाओ और मैं इसमें लगाती जाऊंगी। हमें थोड़े बलून तो चाहिए ही होंगे। इतने सारे बलून, तुम बहुत अच्छा कर रही हो, और बस अब हमें येलो वाला चाहिए। हाँ, बस अब इसे बंद कर देते हैं, और जरा सा यहाँ से खोल देंगे ताकि इसके ऊपर वैक्यूम होस फिट हो जाए। देखो, ये इसमें से सारी हवा निकाल रहा है। अभी हो चुका है, तो हम कैप बंद कर देंगे। एवा, देखो, अब मैं इसे बाकी बलून बॉक्स के साथ रख देती हूँ, और तुम्हारे पास कलरफुल बलून्स का एक नया काउच आ गया। वाह, मैं इसके ऊपर बैठ सकती हूँ? बिल्कुल, मैं भी आती हूँ। वाह, कितना कॉम्फी है, और बाउंसी भी, मुझे पसंद आया। रुको, पता है, हम यहाँ पर लाइट चाहिए, इस ड्रेसर को हटाना होगा। चलो भी, ये इतना भारी क्यों है? ठीक है, बहुत हुआ, हमें पूरी मेहनत करनी होगी। एवा, मैं यूनिकॉर्न मैजिक से हटा देती हूँ। वो
शुक्रिया, अब इस कर्टन को यहाँ से हटाते हैं। बस बस थोड़ा सा और। एवा, तुम बहुत प्यारी हो, लाओ मैं मदद कर दूँ। ओह शुक्रिया, मैं उलझ गई थी। तो हम कुछ ऐसा क्यों नहीं करते कि ये दोबारा हो ही ना, क्यों ना हम ऊन से शुरू करें। इस तरह मैं ऊन को अपने हाथ पर लपेटूंगी। हो गया, जब इतना हो जाए तो इसे फिंगर से निकाल लेंगे। अब बीच में थोड़ी और ऊन लपेटेंगे, बांध देंगे और एक कैंची लेंगे और कोनों को इस तरह काट देंगे। हर एक कटना चाहिए और इसकी एक पूंछ छोड़ देंगे। परफेक्ट, हमने ऊन से प्यारी सी पफ बॉल बनाई है। हमने जो बाकी कलर्स के बनाए हैं इसे उनके साथ रख देंगे। जो हमने धागा छोड़ा था उसके साथ ही इसे बांध देंगे, फालतू का हिस्सा काट देंगे। अब ये इस्तेमाल करने के लिए तैयार है। तो चलो, मैंने तुम्हारी विंडो के लिए नए कर्टन्स बनाए हैं। प्यारे है ना, तुम्हें इन्हें देखकर अच्छा नहीं लगा? हर किसी का कलर और साइज अलग अलग है। धूप में ये बहुत प्यारे लगते हैं और इससे ये जगह और बढ़िया बन गई। मुझे पसंद आया यूनिकॉर्न। तारीफ करने के लिए शुक्रिया एवा। ओह, लगता है यहाँ पर भी काम करने की जरूरत है, पर हमें यहाँ और कलरफुल बॉल्स काम आएंगी। यहाँ पर मुझे अपनी हॉट ग्लू की जरूरत पड़ेगी। बस बॉल पर थोड़ी ग्लू लगाकर इसे स्टूल पर चिपका देंगे। बाकियों के साथ भी ऐसा ही करेंगे, एक रेनबो पैटर्न बनाएंगे। तड़ा, एवा देखो, मैंने तुम्हारे लिए स्टूल बनाया, तो तुम्हें फर्श पर बैठने की जरूरत नहीं है। वाह, कितना आरामदायक है। शुक्रिया यूनिकॉर्न, और मैंने तुम्हारे लिए ये पिक्चर बनाई। तुमने मेरे लिए बनाई, बहुत बहुत शुक्रिया। लगता है तुम्हें इसे यहाँ पर दीवार पर टांगना चाहिए या फिर यहाँ पर। एक सेकंड रुको, मुझे एक आइडिया आया है। पहले एक ब्लैंक कैनवस लेंगे और थोड़ी हॉट ग्लू, इस तरह की टेढ़ी मेढ़ी लाइन बनाएंगे। अब इसके ऊपर ऊन लगाएंगे और फिर अलग अलग कलर्स की और ऊन लगाते जाएंगे, क्योंकि आपको पता ही है हम अभी भी रेनबो ही बनाने वाले हैं। कैनवस के बिल्कुल आखिर तक इसे लगाते जाएंगे। बस ये ऊन का आखिरी हिस्सा है और कैनवस पूरा हुआ, और हम इसे अपनी बाकी आर्टवर्क्स के साथ लगा देंगे। वाह यूनिकॉर्न, ऐसा लग रहा है मैं म्यूजियम में हूँ। यहाँ पर कितने सारे आर्ट हैं, मुझे देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, मुझे खुशी हुई हमने इस जगह पर हर चीज रेनबो वाली कर दी, चाहे वो रेनबो वॉल हो या फिर ये काउच। और हाँ, आर्ट वॉल और विंडो कर्टन को हम कैसे भूल सकते हैं। बस एक दीवार खाली बची है, तो हम इसे ऐसे नहीं छोड़ सकते। हमें यूनिकॉर्न मैजिक करना होगा। एक बहुत जबरदस्त मंत्र, बस थोड़ी और शक्ति और ये देखो। यही है। ओह, वो इससे काफी बड़ा होना चाहिए था। कोई बात नहीं, हम कुछ कर सकते हैं। हमें और शक्ति चाहिए होगी। हाँ हाँ ठीक है, जैसा तुम कहो। ये रहा मेरा बाकी का जादू। ओह, एक कैसल प्ले हाउस। मुझे हमेशा से ऐसा कुछ चाहिए था। हाँ, अब ये पूरा नहीं हुआ। थोड़ी शांति रखो प्लीज। लगता है हमें इस मंत्र में कुछ और भी जोड़ना होगा। बस थोड़ी सी और शक्ति चाहिए। अरे वाह, आ गया। मैं कब से यही तो मांग रही थी। चलो जाओ अंदर। अरे वाह, तुमने मेरे लिए ये कैसल बनाया, और ये तो मेरे साइज का है। हाय एवा, तुम्हारा कैसल कैसा है? बढ़िया, चलो वापस आ जाओ। मैं वापस आ गई और मुझे मेरा कैसल बहुत पसंद आया। हाँ, हमने तुम्हारे रूम को रेनबो मेकओवर दे ही दिया। हाँ बिल्कुल, पहले तो ये बिल्कुल बेरंग था और बहुत उदास। खैर, मुझे तुम्हारी मदद करकर खुशी मिली एवा, पर अभी एक और चीज बाकी है। बस ऐसे ही रहना। अरे वाह, मेरा भी हॉर्न होगा, मैं भी यूनिकॉर्न बन रही हूँ। हाँ, अब तुम बिल्कुल मेरी तरह यूनिकॉर्न हो। मेरा तो सपना पूरा हो गया। हम अब हमेशा के लिए यूनिकॉर्न सिस्टर्स हैं। मैं अपना यूनिकॉर्न मैजिक इस्तेमाल करके देखूं। ओह, जरा इसे देखो एवा, ये तुम्हारा पहला यूनिकॉर्न रेनबो है। वाह, हाँ, और मैं ये तुम्हारे बिना नहीं कर पाती, और मेरा यहाँ काम पूरा हुआ। ये मेरी जिंदगी का सबसे अच्छा दिन था। ओह, वो चली गई, पर मैं उसे कभी नहीं भूलूंगी। बाय। पता नहीं मेरे प्यारे बच्चे क्या कर रहे हैं। यूहू, ओह कितना अच्छे से पेश आते हैं, मैं खुशकिस्मत हूँ। एक मिनट रुको, ये तो बिल्कुल ही चुप है। मैं जानती थी, यहाँ क्या हो रहा है। ये जबरदस्त है। ओह हे मॉम, मैं जानती ही थी।
हाँ, मुझे ये गेम बहुत पसंद है। एनर्जी बनाए रखनी होगी। स्वीटी, यहाँ क्या हो रहा है? वीडियो गेम? वो भी इस समय? एलेक्स, तुम्हें अभी तक सो जाना चाहिए। माफ करना, पर मैं और मेरे दोस्त गेम के बिल्कुल बीच में है। मुझे फर्क नहीं पड़ता, अपने पजामास पहनो और बेड पर चलो। अरे मॉम, मुझे अपनी गेम खत्म करनी है। ये तो गलत बात है मॉम। चुप रहो एलेक्स और सो जाओ। ठीक है, मैं तुम्हें देख रही हूँ। इस लड़के को पता नहीं क्या है, कितनी बकवास वीडियो गेम्स होती है। मॉम मेरा मजा हमेशा खिरखिरा कर देती है। हाँ, वो क्या है? वीडियो गेम की आवाज लगती है, ये वहाँ से आ रही है। मुझे जांच पड़ताल करनी होगी। मॉम, ओह स्नैक्स, एक मिनट रुको, क्या ये लिटिल ग्रीन मैन है? मैं जानता था वो असल में होते हैं। हाँ, मॉम, आप क्या कर रही हैं? ये गेम मजेदार है। उनका इतना हाई स्कोर है? कैसे? ये तो कमाल है मॉम, जरा देखो। नहीं ये नहीं, मुझे दूसरी बाइक चाहिए। मैं आ रही हूँ। विम विम विम। मुझे भूख लगी है, मुझे कुछ खाना है। मैं जानती हूँ क्या करना है। मेरा सीरियल वो सबसे अच्छा है। ये मेरे साथ मेरी बाइक पर आएगा। ये मेरी बाइक में सीरियल, बहुत मजा आने वाला है। मैं एक टाइगर हूँ, मैं अपना सारा टाइगर फूड खा जाऊंगी। हाँ, वो ये क्या कर रही है? मैं यहाँ नई बाइक देख रही हूँ और वो अपनी बाइक बास्केट में से खा रही है। हमें इसका कुछ करना होगा, ये नहीं चलेगा। एक्सक्यूज मी हनी, मुझे अब ये बाइक चाहिए, मैं अभी आती हूँ। ठीक है, इसे यहाँ खड़ा कर देते हैं। ये रहे ग्लव्स, मास्क और मेरा स्प्रे पेंट। अब इस बाइक पर पूरा स्प्रे लगा देते हैं। कलर अभी से अच्छा लग रहा है, बस ये अच्छे से कवर हो जाए। अब ये येलो कलर करेंगे ऊपर तक, ये प्यारा लग रहा है। अब चाहिए ये ग्रीनिश कलर, ओह मुझे ये वाला बहुत पसंद है। अब यहाँ पर एक लाइट येलो कलर करेंगे, कितना सुंदर है, शानदार। ठीक है, मैं अगले स्टेप के लिए तैयार हूँ। ये ग्लास सर्कल तो बहुत भारी है, इसे यहाँ सेट करना होगा। टाटा, हो गया। मैंने एक छोटी सी क्राइक को एक प्यारा सा टेबल बना दिया। ये टेबल से कुछ ज्यादा ही है, क्या आर्ट है ऐसी डार्लिंग। देखो मेरे पास क्या है। वो मेरे रूम के लिए टेबल, देखो हॉली डॉली, हम सीरियल खाएंगे। येलो हनी, अब तुम एक इंसान की तरह खाओ, टाइगर की तरह नहीं। हाँ, अब मैं शार्क की तरह खाऊंगी। ये सबसे अच्छा था। नहीं, चीज ले लो मिस्टर माउस। क्या? ओ, नहीं, बहुत जोर से लगा। ठीक है, अब और क्या है? समझ गया, ये भारी है। शुक्र है मैं वर्कआउट करता हूँ। ये बहुत आसान है। ये वाला यहाँ रहेगा, जरा उठाने में मदद करना। हो गया, अब एक मजेदार हिस्सा, ये हिंज यहाँ लगेगी और हम इसे यहाँ स्क्रू करेंगे। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। एक दो तीन, एक होल यहाँ ड्रिल करेंगे और इसके अंदर थ्रेड डालेंगे। देखते हैं ये काम करता है या नहीं। बॉक्स को इसके अंदर रखो हनी। मेरे पास और भी है। अब मैं इसे बंद कर देता हूँ। ये बॉक्सेस इन होल्स में जाएंगे। ऊपर एक गद्दा रख देते हैं। परफेक्ट। अब चादर बिछा देते हैं। और तकिए भी। मेरा टेडी भी। इतना कोजी लग रहा है ना? ट्राई करो। मैं ठीक है। ओह, मेरा सर। ओह नहीं, माफ करना। कोई बात नहीं, मेरे पास आइडिया है। मेरा बैग दो। क्या? ये? हाँ, ये मुझे दो। ठीक है। मुझे ये तो चाहिए। इस बोर्ड की शीट को हम यहाँ रखेंगे। अब फोम ट्यूब को आधे में काट देते हैं। फ्लैट साइड पर हम ग्लू लगाएंगे। इतना काफी है, अब इसे वुड पर लगा देंगे।
घूम के बाकी पीसेस के साथ भी ऐसा ही करेंगे जब तक ये कवर ना हो जाए। इस तरह अब इसे ब्लैंकेट से कवर कर देंगे। हमें इन गैप्स में ब्लैंकेट को दबाना होगा। बस ये टाइट होना चाहिए। लो, अब मेरे बेड के लिए हेडबोर्ड बन गया। हाँ, ये देखो, मेरा सर इसमें नहीं लगा। कितना कंफर्टेबल है। हाँ, ये शीशा कितना गंदा है, मुझे इसे साफ करना होगा। वाह, ये निशान तो जा ही नहीं रहे। थोड़ा समय लगेगा। सच में ये तो निकल ही नहीं रहा। अब मैं क्या करूं? मेरे पेंट्स। मुझे क्रिएटिव होना होगा। इस मार्क के ऊपर पेंट करती हूँ। ये तो मजेदार है। अब इसे फिल कर देंगे, वो इस पॉच ना रह जाए। लगता है हो गया, पर इसमें कुछ और भी करना होगा। समझ गए, मेरे पास वो है। मैं इसे कोनों पर लगा दूंगी, ये बहुत अच्छा दिखेगा। हमें कर्व्स को फॉलो करना है। बस हो ही गया, जैसा मैंने सोचा था, ये उससे बेहतर है। सेल्फी टाइम। अच्छा टैटू है ब्रो। नहीं, मैं एक पपी टैटू बनवाऊंगा। वहाँ क्या हो रहा है? वाह, बढ़िया, अब मेरे स्टूडियो में नॉट भी आ गए। मुझे कभी और आना चाहिए, तुम्हें देखना चाहिए था ब्रो, मतलब 20 निंजा थे। वाओ, आउची। बस हो ही गया। हे गाइस, तुम मेरे ऊपर बैठ गए हो। तुम लड़ना चाहते हो? तुम लोग अच्छे लगते हो। ठीक है, बन गया। बढ़िया, शुक्रिया। चलो आओ, तुम्हें नई बाइक देखनी चाहिए। मैं? ठीक है। मुझे अच्छा नहीं लग रहा। बढ़िया, ये तो बेहोश हो गया। माफ करना, मैं ठीक हूँ। मुझे एक टैटू बनाना है। बिल्कुल, तो तुम्हें क्या चाहिए? कुछ ऐसा प्लीज। ये सच में? ये प्यारा है। ठीक है, तुम्हारी मर्जी। चलो। मुझे विश्वास नहीं हो रहा। बेहोश मत हो जाना। मैंने अभी क्या कहा? इससे मुझे एक आइडिया आया। मुझे अकेले समय बिताना है। काश मैं पूरा दिन यही बिता पाती। तुम इतने कडली नहीं हो। मिस्टर बेयर, तुम चलोगे। तुम बहुत फ्लफी हो। तुम्हें पता है, तुम काम भी आ सकते हो। है, ये बन गया। ओह वाह, ये लो। ये कितना सॉफ्ट है। थैंक यू, मैं तैयार हूँ। ओह, ये चुभा। पर तुम मुझे बचा लोगे बेयर। तुम क्या कर रहे हो? ये मेरी साइड है, मुझे कॉल करना है। हेलो, मैं एक ऑर्डर कर सकती हूँ? वाह, इतनी जल्दी डिलीवर हो गया, शुक्रिया। हे, तुम्हारे पास मेरे लिए कुछ है? जरा रुको, मैं देखता हूँ। तुम ये ले सकते हो। बस यही? ओह, इसमें तो गुडीज है। गोल्ड पेंट, वाह, कितना बढ़िया दिखेगा। काफी महंगा लगता है। स्पार्कल डालने के लिए थोड़ी सी गोल्ड शेविंग्स। मेरा कोई चांस नहीं है, तो मुझे शुरू करना चाहिए। अरे वाह, बस मिक्स करना है और ये तैयार हो जाएगा। जितना सोचा था, ये उतना अच्छा नहीं लग रहा। हाय चेरिट, मुझे अकेला छोड़ दो सोफिया। हाँ, वो बहुत जलस है। ठीक है, स्टार्स लग चुके हैं, अब पेंटिंग शुरू करते हैं। ये नेल पॉलिश की बॉटल लगती है, बहुत छोटी है, पर इसी से कुछ करना होगा। इसमें थोड़ा समय लगेगा। फिर जितना सोचा था, उससे बहुत मुश्किल है। जरा देखिए हमारे कंटेस्टेंट्स क्या कर रहे हैं। एक तो बहुत मेहनत कर रही है और दूसरा बिल्कुल नहीं। जरा इनसे बात करते हैं। आपको कैसा लग रहा है? मैं झूठ नहीं बोलूंगा केविन, मैं बिल्कुल कॉन्फिडेंट नहीं हूँ। मुझे और सामान की जरूरत है। मुझे पेंट मिल सकता है, मैं उसके लिए पैसे दूंगा। तुम्हारे साथ काम कर अच्छा लगा। लगता है सोफिया बहुत मेहनत कर रही है, उसे थोड़ी मदद की जरूरत है। ये ट्राई करो, मजा आने वाला है। हम इन्हें यही छोड़कर जा रहे हैं और बाद में देखेंगे कि क्या होता है। ये हुई ना बात, जरा ये देखो। अब स्टार को हटा देंगे।
मुझे पसंद आया। बस ये जल्दी से सूख जाए। मैंने काफी अच्छा काम किया। वाह कितना शाइनी है। हे, मैं तुम्हें देख रही हूँ। तुम्हें लगता है मैं डर गया? चलो भी जल्दी करो, मैं शुरू करने का वेट नहीं कर सकती। हम आखिरकार पहुँच गए, चलो अंदर चले। क्या तुम तैयार हो रूमी? ये घर ऐसा तो नहीं था। तस्वीर में जरूर कम स्पाइडर्स होंगे। ये बेहुदा है, हमें ये ठीक करना होगा। अब ठीक है, चलो काम शुरू करें। मुझे अच्छा मेकओवर पसंद है। इस वॉलपेपर को हटाना होगा। वाओ, ये बहुत अच्छे से चिपका हुआ है। वाओ, क्या तुम ठीक हो? लाइट्स किसने बंद की? ये क्या हो रहा है? ये बिल्कुल भी मजाकिया नहीं है। अब अपने ऊपर बात आ गई है। अब इस बेड की बारी है। चलो चलो, तुम कितनी भारी हो। तुम्हें पता है ये मजेदार है, मैंने कर दिया। चलो चले बेस्टी। तारा! इन मूव्स को देखो। किसने सोचा होगा ये एक बढ़िया आइडिया है। ओह, मैं ये पढ़ चुकी हूँ। लगभग हमारा हो गया, हमने कर दिखाया। वोहो! हमने कुछ मिस कर दिया। कोई बात नहीं, हम इसे भी हटा देंगे। हाँ, पूप इमोजी किसने ड्रॉ की? वो ये क्या है? क्या बर्फ पड़ रही है? मुझे अपनी जॉब बहुत पसंद है। हे, रुक जाओ, हमारी छत का बाबो। अभी चोट लग जाती है, ये बहुत गंदा है। क्या तुम भी वही सोच रही हो जो मैं सोच रही हूँ? फ्लैट सरफेस पर फोम टाइलिंग का एक टुकड़ा रखें, उसके बाद आपको कार्ड का एक रेक्टेंगुलर टुकड़ा चाहिए होगा। टाइल के ऊपर रखकर रेक्टेंगल के आसपास स्पेसिंग करें। बाकी सभी टाइल्स के साथ भी ऐसा ही करें। आपको ईटों वाला पैटर्न बनाना है। अब हमें फोम को स्कोर करना होगा। फोम के अंदर गहरे लोब्स बनाएं। इंक को हटा दें, आपको बस लाइंस को फॉलो करना है। फिर गैप्स के अंदर व्हाइट पेंट भरें। ध्यान रहे कि कोई भी छूट ना जाए। अब टाइल पर पेंट अप्लाई करें, थोड़ा थोड़ा हर एक ब्रिक के ऊपर रखें। टाइल को पेंट करना शुरू करें। वो एक बढ़िया टेक्सचर इफेक्ट दे रहा है। चलो इसे लगा देते हैं। परफेक्ट, अब और पूप इमोजी नहीं, ये अभी से बेहतर लग रहा है। बहुत जल्दी गेस करो, ये पिंक होगा या ग्रीन? ये देखो, अब जानते हैं कि असल में क्या है। आह, ये पिंक है। शानदार, कितना जबरदस्त रंग है ना? मैं कमाल हूँ। ये क्या हुआ? मैं सोने की कोशिश कर रही हूँ। मैं खुश थी, पर अब मुझे गुस्सा आ रहा है। तुम इतनी मतलबी क्यों हो? क्या तुमने मुझे उस प्लश ऑक्टोपस से मारा? तो बहुत हुआ, तो मुझे तुम्हें बताना ही पड़ेगा। अच्छा, तो तुम अब क्या करोगी? अब लड़ाई होगी, तो चलो शुरू करो। मुझे भी हथियार चाहिए। तो ये पूल नूडल मुझे हराएगा? बिल्कुल नहीं, तुम गलत सोचती हो। मैंने इसे पकड़ा हुआ है, ये बढ़िया है। ये लो, और ये, मैं बच गई। और ये लो, वो इस बकवास से पूल नूडल से कैसे खेल रही है? हे, ये कैसा रहेगा? पिलो फाइट करें, क्या कहती हो? मेरा वाटरमेलन पिलो तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ेगा। अच्छा, देखते हैं। मुझे सांस नहीं ली जा रही, ये मुश्किल है। नहीं, क्या मैं हार गई? हाँ बिल्कुल, मैंने कहा था ना हार जाओगी। और अभी ये सब पूरा नहीं हुआ। रुको, तुम क्या कर रही हो इस स्लाइम के साथ जो मेरे हाथों में है? ये लो, स्लाइम बॉम्ब। अरे नहीं, मिस कर दिया। ओह, तुमने मेरे ऊपर स्लाइम फेंकी? देखो तुमने दीवार पर क्या कर दिया। हे भगवान, क्या ये निकलेगा भी? मतलब शायद। ओह,
या शायद नहीं। ये कैसा मजाक है, इससे तो ये निकल रहा है। मुझे नहीं पता था कि इससे कट जाएगा। इस पर ये लगाए, यीश, बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। हाँ तुम ठीक कह रही हो, ये सच में बहुत बकवास लग रहा है। रुको, पूल नूडल, ये नूडल्स का रेनबो कितना प्यारा लग रहा है। चलो इसमें LED लाइट्स लगाए। मैं इसे सीधा नूडल में डाल देती हूँ और इस तरह इन ट्यूब्स को काटेंगे ताकि ये आराम से फिट हो जाए। अब इस रेनबो को वापस शेप दे देते हैं। अब इसे और सुंदर बनाने के लिए हमें क्लाउड्स लगाने होंगे। कितना सॉफ्ट और फ्लफी है। हे भगवान, देखो, तुम दोनों कितने आराम से बैठी हो, ये देखकर मैं बहुत खुश होती हूँ। हे भगवान, ये दीवार पर कितना सुंदर रेनबो है। मेरी बच्चियाँ बहुत तेज है। ये वाली बुक अच्छी है, मैं पेज पलट देती हूँ। हम कितने कूल है ना। तो चलो पिगी, तुम ट्रक में जाओ। वो खिलौनों से खेलती हुई कितनी प्यारी लगती है। पीप पीप, हम आ रहे हैं। चलो बेबी और बनी। व्रूम। हे भगवान, क्या हो गया, तुम रो क्यों रही हो। चलो भी मम्मी को बताओ क्या हुआ। हे भगवान, बेहतर लग रहा है। मेरी बेचारी बच्ची और उसके घुटने। मैं कुछ तो कर सकती हूँ। एक मिनट रुको, मुझे पता है मुझे अपनी डार्लिंग के लिए क्या करना है। तुम यही रहो, मम्मी कुछ करेंगी। हेलो, तुम आज डिलीवर कर सकती हो। कर सकती हो। हेलो, क्या तुमने ही रग ऑर्डर किया है। मैं इसे यही खोल देता हूँ। ये मजेदार है। चलो ट्रक। देखो वो अपने प्यारे प्यारे घुटनों के बल चल रही है, बहुत प्यारी है। हाँ मैम, मैम, वाह, आप तो कहीं खो ही गई थी। पर मुझे इस रक के पैसे चाहिए। हाँ, बिल्कुल, पेमेंट ये लो, इतना काफी होगा, है ना। रुको, क्या सच में ये रक $100 का है। अच्छा। तुम कुछ कर सकते हो। अरे नहीं, कोई फायदा नहीं हुआ। मेरी प्यारी बच्ची कितनी उदास लग रही है। एक सेकंड रुको, शायद यही इसका हल है। ठीक है, मेरे पास आओ फूल नूडल, हमें कुछ करना होगा। बीच से नूडल को काटने के लिए इस तरह चाकू का इस्तेमाल करेंगे। जितना ज्यादा हो पाए उतना सीधा काटना है। ये देखो, अब इन दो हिस्सों को हम अलग कर सकते हैं और यहाँ कोनों पर हम कट्स लगाएंगे इसके दोनों तरफ। बहुत अच्छे, और यहाँ थोड़े और कट्स भी लगाएंगे। बस पूरे नूडल में से एक जैसे साइज के पीसेस काटने हैं। ये बहुत अच्छे लग रहे हैं। अब इन्हें लाइन अप कर देंगे, थोड़ा आगे पीछे करेंगे ताकि ऊपर नीचे ही रहे। और हो गया। डार्लिंग, मम्मी ने तुम्हारे लिए कुछ बनाया है और लगता है तुम्हें वो बहुत पसंद आएगा। हाँ, आपने मेरे लिए कुछ बनाया। वाओ, मुझे पसंद आया। चलो बेयर और बनी, हम खेलेंगे। आप सबसे अच्छी हो मम्मी। चलो बेयर अपना गाना गाओ। इसको गाना नहीं गाना चाहिए था। क्या उठने का समय हो भी गया। हे भगवान, ज्यादा ही समय हो गया है, मैं लेट होने वाली हूँ। रास्ते से हटो, रास्ते से हटो। सोचो मत, बस जल्दी से कुछ उठाकर पहन लो। हाँ ये ठीक है, रोब हटाओ और जल्दी से कुछ पहन लेते हैं। हाँ हाँ, मेकअप और बाल मैं खोल ही लेती हूँ, ये चलेगा। और अब पाउडर की बारी। बढ़िया, ये काफी है। अब मुझे मेरी ज्वेलरी चाहिए। मैं अभी बिल्कुल तैयार नहीं हूँ, पर मैं अच्छी लग रही हूँ। रुको, मैंने पैरों में तो कुछ पहना ही नहीं, ये बिल्कुल नहीं चलेगा। इस ड्रॉअर में इतना गंद क्यों मचा है। एक ऑरेंज सॉक और ये मैच भी कर रही है। ठीक है, ये बिल्कुल चलेगी, बस दूसरी वाली ढूंढनी है। नहीं, ये वो नहीं है, ये रेड थी। ब्लू, येलो और ब्लू। वो है कहाँ, मुझे वो ऑरेंज वाली चाहिए, वो यही कहीं होनी चाहिए। मेरे पास इतने सारे सॉक्स क्यों है और कोई भी जोड़ा नहीं। ये क्या है, ये तो आखिरी सॉक थी। ठीक है, तो मैं यही वाली पहनने वाली हूँ। कैसा चल सकता है। वो हमेशा लेट होती है और मुझे वेट करवाती है। तुम्हें इतना समय कहाँ लग गया। मुझे एक परेशानी हो गई थी, सॉक्स की परेशानी। अब ये सॉक्स की परेशानी क्या है। अच्छा, चलो मैं तुम्हारी मदद करती हूँ, अंदर चलो। ठीक है, तो हमें एक बेल्ट की स्ट्रिप चाहिए और बिल्कुल हमारी हैंडी डैंडी हॉट ग्लू गन। अब इसे पहले कोनों पर लगाएंगे और बीच पे भी। ग्लू की तीन लाइंस काफी होंगी। और अब मैं येलो वाला फेल्ट ऊपर लगा देती हूँ। थोड़ी और ग्लू, दो लाइंस काफी है। और अब एक ग्रीन फेल्ट, मैं इसके ऊपर और लेयर्स लगाती जाऊंगी, अलग अलग दो रंगों की। अब जब हम इसे खोलेंगे तो टडा, जरा देखो। और इसी तरह अब तुम्हारी सॉक्स संभली रहेंगी और तुम्हें इसके खो जाने की भी चिंता नहीं करनी। हाँ, तुम सबसे अच्छी हो, लो ये पहन लो। बहुत बहुत शुक्रिया, तुम सबसे अच्छी दोस्त हो। चलो चलें।
अब तुम याद से मुझे रोज कॉल करना और सबसे जरूरी इस पौधे को रोज पानी देना। तो ये लो और ये वाटरिंग जग और इसे जिंदा रखना। ठीक है, मैं तुम्हें बहुत मिस करूंगी। लव यू सो मच, गुड बाय। अरे यार, मुझे पौधों का ख्याल रखना बिल्कुल नहीं पसंद। खैर, तुम मेरे साथ आओ प्लांटी, चलो चले। मुझे समझ नहीं आता वो पौधों का इतना ख्याल क्यों करती है। लो, ओह, अब मैं अपना गिटार जितना तेज चाहूँ उतना तेज बजा सकती हूँ। जब तक वो ट्रिप पर है मैं बहुत मजे करने वाली हूँ। वो ये देखो, रॉकेट आर्म। चलो गेम खेल ले, मेरा अब सोने का मन है। सुबह वर्कआउट करना बहुत मजेदार है, इससे मैं पूरे दिन के लिए तैयार रहती हूँ। शानदार। और अब चलो स्कूल चले, मैं जल्दी से होमवर्क पूरा कर लेती हूँ, फिर मुझे चिंता नहीं होगी। उन डायनासोर्स को भगा दो। मैं क्लास के लिए लेट हो जाऊंगी, मुझे भागना होगा। ये गेम बोरिंग होती जा रही है। बहुत हुआ, अब मैं और नहीं करूंगी। शायद मैं कुछ भूल रही हूँ। एक सेकंड रुको, आज डेट क्या है? मामा आज घर वापस आ रही है। ओह नहीं, तो मैं यही भूल रही थी। ये तो भयानक लग रहा है, अब मैं क्या करूँ? खैर, इस पे पानी डालकर देखती हूँ कि क्या होता है। ओह, इसमें तो पानी है ही नहीं, मैं बिल्कुल पागल हूँ। मैं पानी की जगह सोडा डाल दूँ, ये काम करेगा? नहीं, नहीं करना चाहिए, इससे कुछ भी बेहतर नहीं होगा। ओह हे, शायद ये काम आए, मेरा मिक्सचर। चलो प्लांट, इसे पी लो जल्दी, ये काम कर रहा है। इससे तो कुछ भी नहीं हुआ। हे, एक सेकंड रुको, क्या मैं इससे कुछ कर सकती हूँ? ठीक है, पहले इस पॉट को उल्टा कर रखेंगे और अब इसमें थोड़ा व्हाइट पेंट और थोड़ा ऑरेंज पेंट डालते हैं और अब ब्लू और पिंक और आखिर में थोड़ा येलो पेंट डालेंगे। अब इस पेंट को पॉट के ऊपर डाल देते हैं एकदम ध्यान से। ओह देखो, पिंक पेंट इस तरफ से आ रहा है और अब ब्लू और ग्रीन की बारी। ये देखो, सारा पेंट यूज हो गया और ये पॉट पर सूख गया। और अब पूल नूडल की बारी है, इसे काटने के लिए चाकू चाहिए होगा। लो, इसे इस तरह से काटेंगे और इन्हें निकाल लेंगे। अब ये बनना शुरू हो गया है, यह पौधे जैसा लग रहा है, शेप बन गई। अब इस पर पेंट लगाएंगे, इस ग्रीन पेंट से इसमें जान आ जाएगी। ये मजेदार है। वाह, कितना अच्छा लग रहा है। येलो डॉट्स बनाएंगे और बिल्कुल असली जैसा दिखाने के लिए ये रही स्पाइंस, ये सीधा पेंट पर चिपक गई। कितनी अच्छी लग रही है, परफेक्ट। बिल्कुल इसके बीच में लगा देती हूँ। मॉम, आप ट्रिप से वापस आ गई, मैं बहुत खुश हूँ। मजा आया? हाँ बिल्कुल, मैंने तुम्हें मिस किया। तुम कैसी हो? बढ़िया, और जैसा आपने कहा था मैं पौधों को पानी भी दे रही हूँ। वाह, तुमने तो बहुत अच्छा काम किया। पर मैंने तुम्हें कैक्टाई तो नहीं दिया था, फिर भी ये अच्छे हैं। खैर, मैं पौधों का बहुत अच्छे से ख्याल रखती हूँ। खैर, सुनकर अच्छा लगा, क्योंकि मेरे पास तुम्हारे लिए प्रेजेंट है। ओह, ये पौधा भी मेरे लिए। शुक्रिया। हे, मेरे साथ आओ। नहीं। ठीक है, एक दो, मैं सब ले रही हूँ। तो इस लेडी को ये सब बिक चुका है। शुक्रिया, प्लीज दोबारा आइएगा, सब बिक गया। लो, ये पैसे ले लो। हाँ, मैं सोच रहा था अगर इसके बदले तो मुझे कुछ दे सको। शायद यही कहीं कुछ पड़ा है इस मिस्ट्री बैग में। मैं बहुत बड़ा रिस्क ले रहा हूँ। बाय। ये तो ऐसे है जैसे मेरी खुद की प्राइवेट आर्ट गैलरी हो। मुझे मॉडर्न आर्ट समझ नहीं आता। हे, बैग में क्या है? फोम नूडल्स? ये कैसे हो सकता है? ये मजेदार है। खुद का फोम लेकर आओ, ये मेरा है। ओह, मैं समझ गया। पहले मैं इन्हें आधे आधे में काटूंगा और फिर इनके ऊपर LED लाइटिंग स्ट्रिप्स लगाएंगे। ये कितने रंगीन है, इनसे एक रेनबो बन जाएगा। अब इस फोम के कोनों पर हम कॉटन लगाएंगे ताकि बादल लगे। अब इसे टेस्ट करते हैं। वो कमाल का लग रहा है, ये तो काफी कूल है और बहुत फ्लफी भी। बहुत मेहनत लगी, यहाँ पर तो इतनी यान पड़ी है। अरे हाँ, मैं इसका कुछ कर सकती हूँ। इसे हम यहाँ पर लगाएंगे, थोड़े से और। अब ये कुछ खास नहीं लग रहा, बट देखना जब यान लगेगी तो क्या होगा। अगर इसे इस तरह घुमाया जाए पिंस के पैटर्न के साथ साथ, तो यहाँ पूरा वर्ड लिख सकते हैं।
हाँ, तुमने कैसे किया? ये तो यूनिकॉर्न लिखा है, तुम ये कैसे कर सकती हो? रुको, ये सब कैसा रहेगा? ओह हाँ, बढ़िया। ये हम आराम से टांग सकते हैं। देखो एवा, वाओ। ओह हाँ, हाँ? ये क्या हो रहा है? ओह नहीं, क्या ये भूकंप था? इस मैजिक बॉक्स में क्या है? क्या ये हार्ट तुम्हें भी स्टाइलिश लग रही है? ये हुई ना बात। नहीं नहीं, हाँ, ये तो कमाल है, ब्रावो। फ्रिकी हो? हाँ? जादू देखने के लिए तैयार हो जाओ। ये मत करना। मैंने कर दिखाया। टाडा! ओ, ये लो तुम्हारा गिफ्ट। थैंक्स। क्या ये कोई चाल है? एक मिनट रुको, यहाँ पर एक हैमक लगा देते हैं और अब स्क्रॉल करते जाएंगे। जरा ये देखो, कितना कोजी है ना? वाह, मैं ट्राई करता हूँ। बिल्कुल नहीं। तो फिर मैं तुम्हें यहाँ से निकाल कर रहूंगा। ऐसे? अरे बस भी करो, ऐसे गुदगुदी मत करो। वो, तुम चाहती हो मैं भी ये करूं? चलो मैं तुम्हें हरा ही दूंगी। अरे नहीं, रहम करो। क्या? एक मिनट रुको, ये तो काफी तरीके से इस्तेमाल हो सकता है। हाँ बिल्कुल, पहले हम इसे एक ब्लेड से बीच से काटेंगे। बिल्कुल नीचे तक काटते जाएं। और अब इस तरह से पीसेस को एक रो में लगाएं। और अब इसके ऊपर हॉट ग्लू के ग्लॉब्स लगाएं। इन्हें लगाते जाएं, इससे पहले ये ग्लू सूख जाए। और ये बन गया एक पूरा मैट। इसे फर्श पर रखें और ये बन गया एकदम कॉफी स्पॉट। हाँ, वाह, मैं भी यहाँ बैठ जाऊं प्लीज? नहीं, मैं जरा यहाँ किताब पढ़ना चाहता हूँ। तो मैं कहा था, रुको जरा ये देखो, मैं अमीर हो गया, देखा? रुको, क्या वो इसमें था? शायद इसमें और हो, अच्छे से देखो। बाकी का कैश कहाँ पर है? ये क्या बात हुई? लेकिन जिसे मिला वही रखेगा ना, ये मेरा है। ये दीवार नहीं है पर काम चल जाएगा। हे तुम! हाँ? ओ नहीं! वाओ! क्या? वापस आओ! इसके अंदर क्या है? हम स्प्रे पेंट इस्तेमाल कर सकते हैं। पर किस लिए? मेरे पास एक आइडिया है। अगर आपके पास पुरानी बुक्स पड़ी है तो उन्हें एक ही कलर का स्प्रे पेंट कर दें। इसमें थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन रिजल्ट बहुत ही जबरदस्त होगा। देखा? ऐसा लग रहा है कि ये कोई कूल सा स्कल्पचर है। अब इसे यहाँ लगा देते हैं। बहुत ही बढ़िया। लियाम क्या कर रहा है? ये कैसा सामान है? एक शू बॉक्स। डिंग डिंग डिंग। लगता है ये बिल्कुल नए हैं। मुझे फिट आएंगे? हाँ हाँ बिल्कुल। कचरा कहाँ फेंकना है? इसे यही लगा देता हूँ। हे, ये तो बहुत स्ट्रॉन्ग है। वो, हाँ ये लो। हाँ? ये कैसे हो सकता है? पूरी दीवार खराब हो जाएगी। मैं इसे निकाल देता हूँ। ये देखो, थोड़ा क्राफ्ट काम आएगा। वो, एक हैंडमेड बॉक्स। पर ये फ्लोटिंग शेल्फ भी बन सकता है। कैसा लगा? तुम तो बहुत क्रिएटिव हो। इसमें ये रख दूं? ओ,
ओ कितना क्यूट है, पर अभी भी कुछ मिसिंग है। मैं इसका क्या कर सकती हूँ? क्या फायदा, वुप्स, या शायद ये इतना बुरा आइडिया नहीं था। निशाना सही लगा, बिल्कुल। चलो इसे ऑन कर देते हैं। ओह मेरी आंखें, कुछ लैम्प शेड जैसा मिल सकता है। ये किससे अटैच्ड है? नहीं, गो। ओ, मुझे तो दिन में तारे दिख गए। जरा ये देखो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं मदद कर देती हूँ, ये रस्सी काफी है। अरे वाह, मैं ऐसा ही कुछ ढूंढ रही थी। आपके पास ऐसी रस्सी है? छोटे से पीस पर ग्लू लगाएं, बिल्कुल कोने पर, और इस तरह इसे जोड़ दें। जब ये सूख जाए तो इसके ऊपर थोड़ी और ग्लू लगाएं। अब आप इसे फुलाए हुए गुब्बारे के ऊपर चिपका दें। कोई बात नहीं, अभी समझ में आ जाएगा। टाटा, हमें यही शेप तो चाहिए थी। इसे बल्ब के ऊपर रख देंगे। कितना अच्छा लग रहा है ना? बहुत खूबसूरत है। हाँ बिल्कुल, हमने कितनी कोजी जगह बना दी ना, हमारा छोटा सा सीक्रेट हाइड आउट। और हमारे अलावा इस जगह के बारे में किसी को नहीं पता। बस थोड़ा अलग सोचना होता है। थोड़ा नहीं, बहुत ज्यादा। देखो पहले ये कैसा था और अब कैसा है। अब ये परफेक्ट है। हाँ लियाम, उठो जल्दी। वो आर्मोर कहाँ है? तुम किस बारे में बात कर रही हो? वो यहीं पर तो था। वो कितना बढ़िया था। नींद आ रही है, मुझे सोने जाना होगा। चलो स्टार पिलो, हम साथ में सोते हैं। मार्स पर बहुत सारे स्क्विरल्स हैं। हाँ, हे भगवान, वो फर्श पर ही सो गई। ये नहीं हो सकता, उसे कुशन की जरूरत है। ये पजल मैट काम आएगा। अब हम इसे इस मैट में रोल कर देंगे, ये ज्यादा कम्फी है। फिर काम हो गया। ओह, वो दोबारा से रोल हो गई। अब मैं इसे वापस घुमा देती हूँ। माहुना बहुत मुश्किल है, मैं इसका क्या कर सकती हूँ? मैं जानती हूँ क्या करना है। इसे यहाँ रखेंगे और इस तरफ भी हम एक शेल्विंग यूनिट रखेंगे और एक यहाँ इसके सर के पास। हाँ, इस पर थोड़ी सी ताकत लगेगी। ये गद्दे यहाँ लाना बहुत मुश्किल है। ये रहा एक, और यहाँ से भी एक और। बढ़िया, अब चाहिए शीट्स, इससे काफी बेहतर दिखेगा। क्यूट है, बेड पर पिलो तो होते ही है। अच्छी नींद आई। आउच, हाँ? मैं यहाँ कैसे आ गई? ओ वाओ, एक बेड, स्टार्स वाला। मॉम, आपने बेड बनाया, क्या ये मेरे लिए है? ये बेड मेरा है? बिल्कुल, ये तुम्हारे लिए है। क्या? मैं शेल्फ को सजाऊंगी, यूनिकॉर्न्स और प्लांट्स, और यहाँ पर बुक्स और यूनिकॉर्न्स, गेम कंट्रोलर्स और हॉली डॉली, यहाँ चाहिए स्नैक्स और टॉयज भी। हाँ, अब सब शेल्फ पर आ गया है, चलो सोए। बहुत अच्छे, मैं तुम्हें लेटा देती हूँ। अच्छे से सो, प्यारे प्यारे सपने देखो, कितने प्यारे हो। शुक्रिया तुम्हें बेड पसंद आया। स्कोरर्स ने मेरे स्पेस वॉक्स चुरा लिए। हाँ, ये मेरा सबसे बढ़िया स्कोर है। हेलो, हाय, मैं ये शानदार ड्रिल बेच रहा हूँ। नहीं, अभी मेरी बात पूरी नहीं हुई। मैं इस फ्राइंग पैन की मदद से स्टोन भी पकाता हूँ। नहीं, क्या? ठीक है, डील हुई। मेरा मतलब, ओह नहीं, मिस्ट्री प्राइस के बारे में क्या ख्याल है? सिर्फ $2। ओह प्लीज, क्या हम? क्यों नहीं, एक और हैप्पी कस्टमर। चलो अब मुझे पैसे दो, बाय बाय। पता नहीं इसमें क्या होगा, चलो इसे खोलते हैं। वाओ, ये शीशा है, मुझे यही चाहिए था। मैं इस पेपर को हटा देती हूँ। ये अच्छा आइडिया नहीं लग रहा, फ्रेम टूटा हुआ है। हम
हम इसे दीवार पर नहीं लगा सकते। हे, वापस आओ। आहा, मुझे यही चाहिए। माफ करना टेडी, लेकिन मुझे तुम्हारी स्टफिंग चाहिए। एक पुराने शीशे को अपग्रेड करना चाहते हो तो ये ट्राई करो। फ्रेम के ऊपर एलईडी लाइट्स की स्ट्रिप लगाएं। कॉर्नर्स के आसपास लाइट्स को बेंड कर दें। हमें कॉन्टिन्यू स्ट्रिप चाहिए। जब आपका ये काम हो जाए तो एलईडी स्ट्रिप पर ग्लू लगाना शुरू करें। ध्यान रहे कि आप कोई स्पॉट भूल ना जाएं। इसके लिए ज़िगज़ैग पैटर्न सबसे बढ़िया रहेगा। लगभग हो गया। ग्लू के ऊपर टेडी बियर की स्टफिंग लगा दें। इसे अच्छे से चिपकाने के लिए इसे जोर से प्रेस करें। फ्रेम के चारों ओर ऐसा ही करें। ध्यान रहे कि कोई भी एलईडी स्ट्रिप नजर ना आए। जब आपका ये काम हो जाए तो स्टफिंग के ऊपर नकली बटरफ्लाई चिपका दें। ये काफी बढ़िया लग रहा है। अब ये बिल्कुल घर जैसा लगना शुरू हो गया है और मुझे लाइटिंग इफेक्ट बहुत पसंद है। वाह, ये शानदार है। ये नेचर का एक छोटा सा हिस्सा लग रहा है। अच्छी लग रही हूँ। इतना सारा काम करने के बाद अब मुझे नींद आ रही है। ये बहुत आरामदायक है। ठीक है स्वीटी, ये रहा तुम्हारा पेंट ब्रश और पेंट्स। मजे करो। ओह नहीं, ये तुमने क्या कर दिया? मैं आर्टिस्ट हूँ डैडी, देखो। तुम्हारी मॉम बहुत गुस्सा होने वाली है। वैसे एक खाली पेपर का पीस ले, इस पर थोड़ा पेंट लगाए। अब थोड़ा रेड ऐसे छोटे छोटे सर्कल्स में फैला दे। अब इसके ऊपर एक प्लास्टिक बैग लगा दे। स्वीटी, देखो मेरे पास क्या है। वाह डैडी, मुझे पसंद आया। वी, ये पेंट देखो, ये तो इधर उधर फैल रहा है। पर अब यहाँ गंद नहीं मच रहा। ओह, मुझे पेनी को कॉल करना चाहिए। हेलो। हे, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। ठीक है, कोई बात नहीं। वाह, मुझे मिल गया सैन लोरेंजो का आर्ट इफेक्ट। उम्मीद है ये काम करे। आराम से। मैंने कर दिखाया। सोफिया को ये बहुत पसंद आएगा। ये ठीक नहीं रहा। ओह नहीं, भागो। सोफिया को मुझे इसके लिए पैसे देने चाहिए। भागना होगा, भागते रहना होगा। ओह मैं आ ही गई। बाल बाल बचे। ये लो, मुझे बहुत खुशी हुई। वाह, शुक्रिया। वाह, कितना खूबसूरत है। काफी बढ़िया है। और इससे मुझे एक आइडिया आया। वो कहाँ जा रहा है? इसे यहाँ रखना चाहिए। मुझे इसे की जरूरत है। चलो रूम में वापस चले। ये क्या हो गया? मैं तुम्हें यहाँ रखूंगा और अब बॉडी आर्ट करेंगे। बहुत बढ़िया दिखने वाला है। यहाँ से एक वायर निकलेगी और एक बल्ब लगेगा। टरा! काफी अलग है पर शानदार दिख रहा है। अरे वाह, बस इसे अच्छे से साफ कर देंगे और हो गया। हे जेरेड, मैं तुम्हें इसके बदले में ये दूंगी। ये बहुत महंगा है। ये कोई चांस नहीं। और अब कैसा रहेगा? ये पैसे इसके लिए काफी। ये बहुत आरामदायक है। मुझे खुशी हुई कि तुम मेरे घर आए। मैं मिस कैसे कर सकता था। आह, कितनी बढ़िया नींद आई। वो नायोमी, उठो। क्या बात है? देखो, क्या तुम फिर से अपने पिलो को किस कर रही थी? खैर, मेरे सपने में एक क्यूट लड़का आया था। कोई बात नहीं, मेरे पास एक आइडिया है। मेरी डार्लिंग बेटी का फोन है। हाँ, हाय मॉम, हमारे पिलोज पर लिपस्टिक के कुछ दाग लग गए हैं। मैं आ रही हूँ, ये इमरजेंसी है। मेरी बेचारी बेबी। मॉमी आ रही है। चलो चले, बच कर रहना, मैं आ रही हूँ। क्या तुम ठीक हो हनी? ओह हाय मॉम, एक परेशानी हो गई है। देखो, चिंता मत करो गर्ल्स, मेरे पास ये है। पिलो के किनारे पर टेप लगाएं। उसके बाद एक एंगल पर टेप के छोटे छोटे टुकड़े लगाना शुरू करें। छोटे ट्रायंगल्स की एक रो बना लें। पिलो के नीचे भी बिल्कुल ऐसा ही करें। सभी गैप्स को टेप से भर दें। जब आपका ये काम हो जाए तो टेप की एक रो हटा दें। ध्यान रहे कि बाकी की टेप ना हटे।
पिलो पर काम करते हुए टेप की हर दूसरी रो को हटा दे, फिर एक ब्रश ले और पेंटिंग करना शुरू करें। ट्रायंगल्स की ऊपर वाली रो पर ब्रश को डैब डैब कर लगाएं। टेप बॉर्डर का काम कर रही है, हर एक रो में अलग अलग कलर भर दे। जब पेंट सूख जाए तो बाकी की टेप को हटा दे। ये वाला पार्ट बहुत बढ़िया और रिलैक्सिंग है और सावधानी से करें। हम अपनी मेहनत से किए हुए काम को खराब नहीं करना चाहते, फिर हम कोनों पर लगी हुई टेप को भी हटा देंगे। ये किसी लिपस्टिक के दाग से कहीं बेहतर है। तुम्हारा क्या ख्याल है लड़कियों, अच्छा लग रहा है? हाँ, वाह ये शानदार है। थैंक्स मॉम। ओह आइडिया, मुझे एक फोटोग्राफ चाहिए। स्माइल। ओह ये बहुत प्यारी है, मुझे खुशी है कि मैं तुम्हारी मदद कर पाई। डॉल्स को अपने नए घर बहुत पसंद आए। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। ऐसे ही मजेदार वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।